अब लगेगा तमाशा। भाई लाला, अब बस आपकी वजारत देखने की ख्वाहिश है मेरी। बाकी तो मैंने देख लिया कि लोगों से हो नहीं रहा कुछ खास मैनेज सही से। तो आप बादशाह से बात कर लेना। मैंने ये नोट किया वैसे आना चाह रहे हैं, अगर आपको ज्यादा ये मसला मतलब हो रहा है, हो नहीं रहा जो आप करना चाह रही हैं ना, मतलब ये गट्स हैं, ये अब कवच जो है ना अपना, जो आप सामने खड़े हुए थे तो आप बात कर लेते कि आप आना चाह रहे हैं दोबारा। अपना जो ये आपका एक्ट है ना, ये वाला ये नहीं कर दे, ये आप छोड़ दें, आप ये वाला एक्ट अपना छोड़ दें, बिल्कुल 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 छोड़ दें, और पॉकेट से हाथ भी निकाल के चलना शुरू कर दें अब आप, क्योंकि आपसे वो हो नहीं रहा जो आप करना चाह रही हैं। आपका ध्यान ज्यादा जो है वो इसी पे, बिल्कुल बिल्कुल देखा ही है भाई। बड़ी बड़ी वजारतें देखी हमने, मसले हो गए, एक बंदी रो पड़ी बिचारी, उसको नहीं हो पाया मैनेज हुआ, उससे मसले थे, इशू थे, एक तीन दिन का था उसको पता चल गया, उसको उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने किया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, उन्होंने आपकी तारीफ की, नुमान की भी थी। लेकिन जो ये वजारत है ना भाई, ओए 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 ओए, मैंने नहीं देखा भाई ऐसे आके के, मतलब वजीर बेचारा। आप खुद कॉमन सेंस यूज करें कि आपकी वजारत में आप मुझे मशवरे नहीं दे साहिब, आप मुझे खाना नहीं खा रहे, आप मुझे मशवरे नहीं दे, कॉमन सेंस यूज करें। मैं इनको सजा दे रही हूं, आपकी वजारत की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आपकी वजारत की हुई है। ओके ओके ठीक है, उमर ने आपको पढ़ाई है पटियां, तो अब आप उसकी बोली बोलने के लिए आ गए हैं। आप खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, फिर खाना नौकरों की तरह आप मुझे ऑर्डर दे रही है, साइम चाय लाओ, साइम पानी लाओ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। एक तो मैं किसी का यहाँ पे एटीट्यूड नहीं लूंगी, सुना है? तो आपका ये मसला है ना सारा, कि एटीट्यूड तो सिर्फ मसला तो आपको हो रहा है, किसी दूसरे का एटीट्यूड क्यों लेंगे? मसला तो आपको, आप तो वजीर बन गए, अब आप किसी दूसरे का एटीट्यूड क्यों लेंगे? मसला क्योंकि आपका अपना अंदर का एटीट्यूड जो है वो बाहर आ चुका है, अब वो सबको नजर आ रहा है, और वो थोड़ा सा फेक भी है, आपसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि हुमैरा वजीर बन गई है, बादशाह ने हुमैरा को वजीर बना दिया है। यहां पे क्या होगा, कैसे चलेगा फिर? अब तो पता चलेगा, वजारत नहीं संभल रही, बस उमर आपसे वजारत नहीं संभल रही। आपसे क्या हो रहा है, आप दोनों साथ नहीं बैठेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वहां नहीं जाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, आप ये नहीं पहनेंगे, क्योंकि मैं वजीर हूँ, मैं सबसे अच्छी लगनी चाहिए हूँ, मेरे पे सारे कैमराज होने चाहिए, मेरी सारे फुटेज होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये वीक जो है मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीक में वजीर बन गई हूँ, क्योंकि मैं इस वीक में वजीर बन गई हूँ। और हैरत की बात सुनो, सारे सुनो सुनो सुनो, हैरत की बात सुनो, पहली दफा हो रहा है वजारत में कोई वजीर खतरे की घंटी में है भाई, पहली दफा हो रहा है ये, देखो करते रहो, करते रहो। सुनो सुनो दुनिया वालों, हो क्या रहा इस मैं, भाई अगर मैं अगर मैं सही कह रहा हूँ, अगर मैं हुमैरा की जगह होता ना, मैं बस्ता बांधता, मैं खुद ही चला जाता घर, हाँ मैं भी, मतलब मेरी मैं तो शर्म से डूब मरता अगर मैं होता। अब यहाँ पर आएगा बटाला, मुझे आठ बार गिराओगे मैं नौ बार उठूंगी, मुझे आठ बार गिराओगे मैं नौ बार उठूंगी, करें इतनी बेइज्जती है, मुझे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, और करें आप, और मुझे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मुझे इज्जत बहुत प्यारी है अपनी, सॉरी आप डूब मरते तो प्लीज, सॉरी मैं मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। बात हो रही है लाहौर की, साहिवाल जा रही है और जा गई रही है ये साहिवाल जा रही है, देखो यार लाहौर से निकल रहे हम बात कर रहे हैं लाहौर की और ये जा रही है साहिवाल। नहीं आपको क्या इशू हो रहा है, आप इतना यानी मूड में क्यों आए हैं? मैं इस घर का हिस्सा हूँ, आपका घर है ये, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, आपका जो ब्लॉक है ना उसके अंदर रहे, मेरा कोई ब्लॉक नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक आपका है, ब्लॉक और किसी का नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। सारा आपने सबको दुश्मन बना दिया अपना, मेरी मेरे अगर वजारत से आपको मसला हो रहा है तो बादशाह से आप बात करें, वो देख रहे हैं, मैं क्यों उनको बोलूं, मेरा आप सर नहीं खा सकते इस तरह, मैं आपका सर नहीं खा सकते, आपको शौक है तो खाएं, खाने की रोटी बंद कर दी, आपको शौक है तो खाएं, आपने आपने सबके खाने की आते रोटियां बंद कर दी, मैं रोकूंगी उमर की, मैं आपकी भी रोकूंगी, क्यों रोक तो रोक दे, जब मैंने आपको एक बार बोला है कि तरीके से बात करें, इज्जत से बात करें, क्या जा रही है आप लोगों की रोटियां रोक रही है तो मैं रोकूंगी, आप बन रही है, हाँ जी
आपको ज्यादा अगर इश्यू हो रहे हैं ना मुझसे, तो आप बादशाह भी आए थे तो आप उनसे बात करते ना, अगर आप इतने हैं गट्स हैं बात करने के। मुझे किसी से बादशाह निकलने की देर होती है, आप लोग मेरे सर पे सवार हो जाते हैं। इसलिए कि मैं क्यों बादशाह से मुखातिब हूं? हिम्मत ही नहीं है बात करने की। नहीं, मैं क्यों मुखातिब हूं? सामने बात कर रहे हैं उनके, आपको अगर इतने इश्यूज हैं, आपको अगर इतने इश्यूज हो रहे हैं ना मुझसे, तो आप सामने मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं? ओके, मैं बार-बार जाके क्यों डिस्टर्ब करूं? मैं बार-बार जाके क्यों डिस्टर्ब करूं? तालियां। मुझे तो नहीं करने की इच्छा है। क्या किया मैंने? ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पर और लीड कर रहे हैं जी उमर। ग्रुपिंग तमाशा घर में, ग्रुपिंग यार आपने तुड़वा ली ना, आपने मुझे कह दिया कि मैं आदि के साथ नहीं बैठ सकता। अच्छा, तो मैं नहीं बैठ सकता। हमारे लीडर? हाँ, मैं बिल्कुल मैं ही हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? मैं हूँ तुम लोगों का लीडर, ये बात याद रखना। ये पहले बताना चाहिए था। एज ए रियाया मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग एक साथ पहले टेबल पर आराम से प्यार से खाते हैं और इसको अच्छे तरह से शुरुआत प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलते हैं। आप कैसे बता सकती हैं वजीर को? आपको लगता है वो कॉम्पिटेंट नहीं है? इतनी आप अकलमंद होती तो आप वजीर होती इस वक्त। मेरा बनी है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है आपसे, सब पता है आपकी बातों का। जो होता है पलट बनता है। नाम आया डर पड़ गया इनको, भाग गए, गीदड़ भाग गए, ऐसे तुम सुबह से भागे हैं। बादशाह का नाम आया इनको पता लग गया। अच्छा आप तो बजी यानी बस सब भाई, अब तो बस जी बात कर दी है लड़की ने। आप अभी 5 मिनट पहले कह रही मेरे में इतना गला नहीं बोलने का, पलट दिया आपने। अभी आप कह रही थी मेरा गला बहुत खुला है, तो आप पहले कह रही मुझे बोलने का नहीं है। ये क्या करती हैं आप? मुझे जीत नहीं सकते, मुझे बस ये बताएं ना कि ये क्या करती हैं। आप मुझे जीत नहीं सकते बातें करने में, मेरा गला बहुत खुला है। आपका मसला उमर की वजारत हो गई है ना पूरी। अगर वो आना चाहते हैं वापिस तो बादशाह से आप रिक्वेस्ट डाल दें। जिस तरह से बादशाह मुझे बोलेंगे मैं करूंगी। बादशाह ने आपको कहा कि आप अपने आप को मेरा वजीर कहलवाए? वो कहा है उन्होंने? आप मुझे बता दें, ये बता दें आप। मैदान छोड़ के भाग रही हूँ बादशाह। मैं सवाल करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आपकी थी वजारत, आप तो अपनी मर्जी की हर चीज आपने करवाई है। अच्छा उन्होंने कहा था आप सबको कहें कि आपको, आपकी ड्यूटी जो है अपनी ड्यूटी पे आप अपने टाइम पे आ जाएं, अपना काम पूरा करें। बीबी क्यों कल से बता के जा रहे हैं बाथरूम में जाने के लिए? ना आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही। आपसे कौन बात कर रहा है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपसे पूछ के नहीं गया कि मैंने जाने वाशरूम में? मैं आपके कल से सारी चीजें मांग रहा हूँ मेरा, मैं आपकी हर चीज मान रहा हूँ। जो जो आप मुझे कह रही है मैं वो कर रहा हूँ। कल आप वहाँ कंफ्यूज बैठी हुई थी, मैंने आपका मसला हल किया कि आप इसको इसमें डाल दें, इसको इससे हाल में डाल दें, ठीक है ना? आप चारों आंटी ने खड़े हुए थे और आपको समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। पूरी रात आपने गलत सोचा है, पूरी रात आपने गलत सोचा है, पूरी रात आप उठी क्यों रही थी? कितनी दफा आपको बताएंगे? बादशाह 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 कर रही है, तो बादशाह आके जरा बोल रहे हो, सुन भी लो ना। आप इस नौबत में आप लेकर आई है। अच्छा ये याद रखना, अपनी अपनी खुद की डेढ़ मन की मस्जिद बना के बैठा हुआ अपना काम पूरा करें, दैट्स इट। मैं काम कर रही, ये क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ ये? मैं भरतनाट्यम कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा के, है ये आ रहा है ना? ये क्या आ रहा है ना? आ रहा है, ये सारे कपड़े मेरे आटे में सारे चले गए, तो क्या कर रहा हूँ मैं? है आपको किसने कहा कि लोग अंधे हैं? लोग देख नहीं रहे लाला को? रोटी जो खा रहे हैं वो मैं बना के देती हूँ रोटी। बहुत बोर हो गए, थोड़ा सा आप खाना खा लें प्लीज, पेट भरा हुआ, थोड़ी देर बाद चले। शोर ठीक है, बस यही प्यार यही मोहब्बत चाहिए। मायरा के साथ तो मेरी कभी वो नहीं, नहीं मायरा के साथ नहीं, सबके साथ आपने एक जैसा, सबके साथ ही मैं कर रही हूँ लाला प्यार से। मैं सबसे प्यार के साथ ही कर रही हूँ, सही है? बस अच्छी बात, प्यार के साथ ही मैं करने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात, मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। नफरत जो है ना वो नफरत बड़ी जल्दी जगह बना लेती है, इतना पता है। मेरी तरफ से कभी नहीं हुई पहले। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बता रही हूँ, अब मैं बता मायरा, सिर्फ मायरा की बात सुने। 50 पॉइंट का आटा लिखे ठीक है, 100 पॉइंट का चावल लिखे, पॉइंट्स ठीक है, चीनी 200 पॉइंट के अंडे लिखे, ठीक है, कॉफी है 200 पॉइंट की, कॉफी
200 पॉइंट की 200 पॉइंट दूध 2 किलो 100 पॉइंट का दूध कर लो मक्खन मक्खन मिल्क 30 पॉइंट की चीनी कर ले 30 पॉइंट की चीनी कर ले मक्खन लिख लें 60 पॉइंट का 700 800 हो गया भाई हो गया हमारा 1000 पॉइंट के करीब नजदीक आ गए देखो 300 400 500 किस चीज का 500 50 पॉइंट है आटा नहीं चिकन 300 पॉइंट लिखी है 50 पॉइंट का आटा है 500 पॉइंट का नहीं है आटा 50 50 का है हाँ हाँ 50 का है हाँ कितने हुए 3 4 7 होगा 1000 पॉइंट है सेवन मक्खन करें 60 पॉइंट का 60 पॉइंट हाँ दही करो 20 पॉइंट का दही करो 40 पॉइंट का ओके सब्जी करो 100 पॉइंट की सब्जी सब्जी ओके मिक्स दालें करो 60 पॉइंट की दाल 60 60 हाँ 80 पॉइंट ऊपर चले गए 80 पॉइंट ऊपर चले गए ब्रेड किधर है 10 पॉइंट की 50 पॉइंट की ब्रेड कर दें अंडे कम कर दें हम हाँ अंडे कम करो 5 6 7 8 9 10 90 बड़े 90 ज्यादा है इसमें हमने ब्रेड नहीं मंगवाए वैसे तो ये सब्जी 100 की 50 की कर दो सब्जी 50 की 50 की कर दो नहीं 60 की कर दो सब्जी कितने दही हटा दो ना बिल्कुल हो गए नहीं नहीं हो गए 60 की कर दो ना 60 दही ओके यस अब काउंट करें अब काउंट करें 50 50 30 200 50 60 40 60 नहीं बैठना क्या हुआ क्या यार डिटेल्स बताओ मुझे मैं आधी अधूरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता आधी आधी बातें ऐसे कल रात को पीठ पीछे ये सबसे पहले बात करता है फिर इसने शहर जब मेरे साथ लड़ाई हुई उसके साथ अच्छे बर्तनों में था तो उसके साथ गॉसिपिंग पहले कर रहा था ठीक है इसने एक दिन मुझे भी आकर बोला कि नहीं पहले मायरा 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 ठीक है फिर एक दिन मुझे आकर बोला कि अच्छा नहीं मायरा नहीं यू नो वो तो बहुत चीज़ें नेगेटिव है ये नहीं वो नहीं लबला बला फिर सही था सही था सही था सही था फिर इसने एक दो ऐसी बातें की हैं जहाँ सब लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गई थी लाइक लिटरली मजाक अच्छा ये क्यों किया क्या क्या मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गई बस ठीक है बिल्कुल फिर ना अनकंफर्टेबल मतलब इसने ऐसी कोई बातें की हैं जहाँ मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गई थी तो मुझसे डिस्टेंस चाहिए मैं उस एरिया से निकलना चाह रही थी जिसकी वजह से फिर मैंने इसको रिक्वेस्ट की कि मुझे उस वाले एरिया से प्लीज़ काइंडली निकालें फिर शहर के साथ इसने ऐसी पर्सनल बातें की हुई हैं जिसकी वजह से वो एक्चुअली मैं आकर भड़की है कल मजाक उड़ा रहे थे अभी जो इतना कुछ हुआ है तमाशा हुआ है अरे कान बंद किए रहे थे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था ठीक 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 क्या कर रहे हो मैंने उस तरह देखना ही नहीं ना कैमरे है ना मनोज ये है लाइफ एक्सपीरियंस या यार ब्रिलियंट Brilliant. Amazing. को चैलेंज करने आए थे ना तो उसको चैलेंज समझ कर लो वो ही कर रही हूँ बस That's why I'm doing it. हाँ जी पता जैसे मुझे जब लगी ना I felt like crying but I did not I was like I'm not going to cry क्योंकि जहाँ मैं रो पड़ी कमजोर थी कमजोर देखो I don't want to do that That's why I just don't want to face anything. Yeah, so don't. Yeah. That is hard. Huh? Why? Just because मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं help चाहिए? You did a hand इशारा? हाँ, बिल्कुल कहा मैंने किया. हाँ तो जरूरी था. मुझे नहीं चाहिए उसकी help. I did not say anything from whatever not a word and he was just talking he was like I was in I went there because you know my heart got broken
because she did that. Not in literal meanings, but I understood. Because you even told me about this, right? And I was like, I can't say anything on her behalf without asking. I'm gonna call him brother. मैं तो भाई बोलना शुरू कर दूँगी उसके मुंह पर. फिर ये सही रहेगा कि ब्रो रिलैक्स. या अब उसने कहा नहीं नहीं तो सब कुछ भी नहीं है. हाँ. He said I understood and I know there is nothing, so I'm gonna just be myself. हाँ, good. बहुत अच्छी बात. That's what he said. बहुत अच्छी बात. अच्छी बात है ना. हाँ बिल्कुल अच्छी बात. जान 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 का क्या मतलब होता है? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा उससे. मैंने नहीं बताया. मेरा दिमाग खराब हो गया था सुबह. मैंने नहीं बताई ये बात. सही है. अब कभी मुंह पर बोलेगा तो मैं सीधा उसके मुंह पर बोल दूंगी. बोल दूंगी कि कभी मायरा कभी शहर की कभी ये कभी वो. हाँ पप्पू ना बनो. सही पप्पू. पप्पू वाली हरकतें भी की हैं. मैं नहीं संभाल सकी लेकिन अब तुम्हारा काम है संभालना. और अगर नहीं संभाल पाओगे बात याद तो बहुत इंसल्ट होगी हमारी. यस. कि अगर नहीं संभाल पाओगे प्यार मोहब्बत से अपनी चीजें नहीं करवा पाओगे उमेरा दैट्स अ फेलियर. ये चीज रखते हैं घर में तो टैकल दिमाग यूज करें. दिमाग यूज करो प्यार मोहब्बत. दिमाग यूज करो. कैसे किसको टैकल करना है कौन कैसा है उसको कैसे टैकल करें. मैं वजारत में नहीं हूँ ये वजारत में नहीं है. हमारी लड़ाइयाँ होती हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मगर आप वजीर हैं. वजीर का काम यह है कि कौन जैसा जैसा इंसान है उसको उसी तरीके से टैकल करें. ये चीज़ इसमें तो ये रूल बनाया है कि हाथ नहीं उठाना. अच्छा है कि आपके आसाब भी आपके काबू में रहते. उठाना ही नहीं चाहिए जितना भी कोई प्रोवोक क्यों ना कर ले. भाई यही तो सीखने आए हैं. मैं तो नहीं उठाती. फिर ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको उनको तो मौका चाहिए होता है आप प्रोवोक करने का. मौके हम डिफरेंट हैं थोड़े. हम मौके नहीं ढूंढते किसी को तंग करने के. यहाँ पे लोग हैं जो मौके ढूंढते हैं दूसरों को तंग करने के. दो किस्म के लोग हैं. एक जो इन चीज़ से भागते हैं कि ना करो यार तंग मुझे. हाँ. दूसरा वो है जो आके घुसता है. दो किस्म के जानबूझ वही है मौके की तलाश में हो तो समझ जाओ ना इस बात को. अब वो वाले बन जाओ जो प्रोवोक हो रहे हैं लेकिन बर्दाश्त करें अपने लिए. मैं सीख रही हूँ ये. और ये वो वाले हैं जो करते हैं. बात आती है उमर की बात करिए. साइम की बात करिए. मरिया की बात करिए. मरिया की बात करिए. मरिया की बात करिए. किसकी बात करिए. आई थिंक सो वो तो किसी की भी नहीं सुनती. वो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती. मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती. मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की. इतने इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया मुझ पर जो उसने मेरे साथ कर दिया है. पता नहीं कितने दुख खाई हुई है और कितनी ठुड्डे खाए हुए हैं कितनी ठोकरें इस औरत ने ज़िंदगी में खाई हुई है और कितना जहर इसके अंदर भरा हुआ है जो इसको समझ ही नहीं आती कि निकालना कहाँ. और हर कोई करता है. ऐसी सिचुएशन में डालोगे तो हर कोई करेगा यार. चीज़ आज हुई है कल हुई है वही चीज़ अब कल हो गई और मुझे आज पूरी रात जाग के देनी है ड्यूटी. मैं उतना प्रेशर ले सकती हूँ कि मैं जितना बर्दाश्त कर सकूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेल. जिंदगी भी एक कहानी है ना. उसमें हीरोज हैं विलन्स हैं सब कुछ है. फिल्म की तरह एक स्टोरी चल रही है. मैं कभी भी किसी दूसरे जैसा नहीं बनना चाहता. अगर किसी एक ने एक हरकत की है मैं वो नहीं करना चाहता. आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ. आप जब अच्छा बोलते हो लाउड बोलते हो दुनिया को चुप करा देते हो लेकिन अगर आप दूसरे के लेवल पे आके वैसे ही बोलोगे तो फिर आप और उसमें फ़र्क नहीं रहेगा. और फ़र्क नहीं आएगा तो आप अलग नहीं नज़र आओगे. आप अलग नज़र नहीं आओगे तो आप नज़र ही नहीं आओगे. उड़ती दो पतंग जैसे संग ऐसे उड़ चले.
झलक थम गई घड़ी यही पे रुक गए वही पे बेधड़क दास्तां मेरी तेरी दोबारा फिर से हुआ। अम्मी अगर आप सुन रही हैं तो मेरे ट्रैवल एजेंट को फोन कर दें, मेरी फ्लाइट बुक। हाँ ये वो जरूर लगाएंगे। प्लीज मुझे जाना है। निकलते ही दे देना, तुम्हारी है वैसे मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की भी। वो याद कैसे? हाँ? वो कैसे? तनी कहाँ जाना था तो तुमने भेजी थी। दो तीन दिन में आ जाए। माउंट फूजी। खूबसूरत। स्वीपर, कैन यू स्वीप माय जेल? स्वीपर जो है वो जेल साफ नहीं करता, कैदी अपनी जेल खुद साफ करता। Can I get the sweep so I sweep my jail? कैदी को कोई स्वीप नहीं देता, कैदी अपना स्वीप खुद बनाता है अपने कपड़ों से। In short, you're बर्बाद। Just to be very precise. But then I had ginger yesterday and I threw ginger from my mouth to the jail. It is very sukha. Now jail is very hurting me and it's very ganda. Hey chaka, mujhe jana ghar la kalina. Send me home ma kalina. Hey bachalina. Send me home chakalaka chakalina. तेरी याद में मैं खड़ा रहा, तेरी याद में मैं रोता रहा, के काश तू मेरे पास हो, के काश तू मेरे पास हो, तेरे इंतजार में बैठा रहा, तेरी याद में रोता रहा, काश मैं तेरे पास रहा, काश मैं तेरे पास रहा। क्या मुझे एक अदद फायर एक्सटिंग्विशर इस जेल में मिल सकता है? क्यों, तुम्हें तो वैसे ही इतनी आग लगी हुई है। हमारी वजीर कहाँ चली गई है? अरे हाँ वजीर, अभी भागने का टाइम है जेल से। वजीर चाबी दे दो। स्ट्रेटजी तो बनाओ कोई। ताला इसको मैंने बोला स्ट्रेटजी बनाओ। फिर वो हमारी वजीर ने ट्राई कर ली थी। देखो तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए था। किया है ना, किया था। हाँ नहीं हुआ कुछ, ताले छोटा लगा देते। तुम जाओ देखो वो क्या कर रही है, देखो बादशाह ने इजाजत दी हुई है। वो, अच्छा वो तो मैंने आज तक इस घर में देखा, इस घर में वो है वो जिसे डस्ट उठाते? यस मैंने मंगाए थे अपनी वजारत में। कहाँ है? तीन छुपड़ियाँ। कहाँ है? खुपड़ियाँ अंदर ही होंगी। अच्छा मैंने आज तक नहीं देखी सुपड़ियाँ, मैंने मंगाई है चार। वही होंगी जहाँ पर मशीन होती है, आई थिंक सो। मुझे समझ नहीं आता डिस्पेंसर के पास पानी क्यों गिरा हुआ होता है हर वक्त। क्योंकि हम पानी भरते हैं तो वो मुंह से गिर जाता है उबल के, अंदाजा नहीं होता कि भर चुका है थर्मस, लोगों से गिर जाता है। कोई मेरी हेल्प ही नहीं करना चाह रहा। क्या हेल्प चाहिए? सब वजीर उमेरा से डर रहे हैं। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें बताओ? चाबी चुराओ ना। Shh.
नहीं ना यार, ऐसा दोगला बंदा, ऐसा दोगला बंदा, बंदे भी ऐसे होते हैं, आदमी ऐसे होते हैं, अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और। जब इसकी वसी हुआ था ना, बना था, तो ऐसे था, ये शहर को बहुत ज्यादा फेवर्स दिए जा रहा था, गॉसिप कर रहे थे। हाँ, काम नहीं, काम नहीं करवाता था उसे कोई, और शहर आई थिंक सिंस डे वन से शी इज नॉट वर्किंग दैट मच कि जितना हर बंदा कर रहा था। मुझे शहर से कोई लेना देना है नहीं, ये बात सिर्फ इतना है, इतनी है कि वो सही बोल रहे थे, मैं गेम खेली जा रही थी, मैं ना सारे सारे, और वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने भी आपको बहुत सारी चीजें कुछ बताई थी जो कि एंड में बताई है ना, एंड में लास्ट मिनट पर बताई है जो मेरी शहर के साथ हुई है, उससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं हो रहा था कि पीठ पीछे हो क्या रहा है। लेकिन सैदा ये भी देखे, मैंने आपको हल्का सा एक आइडिया तो दे दिया था ना यार, खुल के बोलो, इतना आइडिया मैं ऐसे लोगों में, इतने नीसने लोगों में नहीं रही हूँ। अपना ओ जिन्नात के डेडी बियर, ओ बड़े वाले कूलर जो हिट है उससे बुरी ओ रोटी खाएगा, तमीज से पूछेंगे तो बताऊंगा। इस तरह आप अभी दो दिन हुए नहीं किचन में आए हुए, अगर इस तरह बात करनी है तो फिर हम भी इस तरह बात करेंगे आपसे। क्या रोटी खाओगे? नाम है मेरा एक, मैं अगर चीज हूँ भाई। आदि साहब बड़ी मी, क्या आप रोटी खाना पसंद करेंगे? जी साईं भाई, रोटी खाऊंगा। सर कितनी, एक या दो? साईं भाई दो। और उमर साहब क्या आप रोटी खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल साईं भाई, मैं भी दो रोटियां खाना पसंद करूंगा। दो रोटियां, चार रोटियां। हुमैरा वजीर आप रोटी खाएंगी? नहीं, आई हैव माय राइस, थैंक यू। ओके मायरा आप रोटी खाएंगी, चावल खाएंगी? नहीं, कुछ भी नहीं खाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय डॉलन्स इन कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल, ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवल। मायरा आपकी सजा खत्म, तालियां ना बजाएं आप लोग, अफसोस का मकाम है ये, सीरियसली। अपनी अपनी बातें इधर आके कैमरे में सब कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि यार वाशा सलाम भाई ये ज्यादती हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाद में आप लोगों ने मिलना ही नहीं है, ये दोस्तियाँ के बाद में नहीं रहेंगी क्या? खैर, खतरे की घंटी मंडला रही है सबके ऊपर, और मैं एक मौका और देना चाहता हूँ ख़ुद को सेव करने का, ये मौका मायरा को नहीं मिलेगा। अब आपकी मैंने रिलायबिलिटी देखनी है, जैसे डॉलेंस रिलायबल है, मैं देखना चाहता हूँ आप अपने लिए कितने रिलायबल हैं, कितना सेव कर सकते हैं अपने आप को। मौका सिर्फ 8 लोगों को मिलेगा, और इसको जज करेंगी अब मायरा। मैं देखना चाहता हूं दोबारा जिम्मेदारी देके कि पुल के उस पार खड़े होके आप कैसा खेल रही हैं। तो आइए आपको गेम दिखाता हूं, मैं भी आपको समझाता हूं। कुछ बॉल्स यहां रखी हुई हैं, बॉटल्स यहां रखी हुई हैं, उसी तरीके से कुछ पिंग पोंग बॉल्स वहां रखी हैं, बॉटल्स यहां रखी हैं। तो ये मैं आपको खेल के बता रहा हूं। अब ये जो है ना, यहां तक तो चलो अगर फर्ज करें हो गया, बाकी ये जो टेप लगी हुई है ना, ये बड़ा मसला है। ये यानी ये पूरा आया इसके बाहर। ठीक मायरा जी, जज आप हैं, हिंट दे दूं, ले ले बदला। मगर ये मजाक था, अच्छा जज कीजिएगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपना अपनी मर्जी का आप स्टेशन पसंद कर लें, और सायरन बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। 3, 2, 1 गो।
आदि ये लगे ना अगर मेरी बॉटल को यार, आप मेरा गुस्सा देख दिया बेटा, आपको पता मेरा गुस्से वाला। नियत सही रखो, कुछ नहीं होगा। तुमने मुझ पे शक किया। स्टॉप 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 एवरीवन, रुक गया, रुक जा। अच्छा मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा ओके चलें, रखें दूसरे, फिर शुरू करते हैं। नहीं दूसरा रखे तो उसी में होगा गेम में। हाँ ये तो गेम का हिस्सा है। क्या ये दूसरा रखना? हाँ तो ऐसे तो फिर मैं भी सेट कर लेता हूँ, धीरे मैं भी स्टॉप हो जाऊँ। चलें चलो, 1 2 3 गो। मायरा जी स्टॉप। जोर से चलें, दे बॉल, वो ले लेना, बॉल लेना। ऐसा 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 ऐसा, यही तो हिलजुल के मेरी बोतल सबके गिरेंगे ऐसे आराम से। आस्ते आस्ता, 1 2 3 गो। स्टॉप। चले नुमान सही है। स्टार्ट रखें। स्टॉप स्टॉप, सही है आप करें। साइम दोबारा एक मिनट, अभी स्टार्ट नहीं बोला, वो चला रही। हो गया तो बता दें, मुझे तो उसके इंतजार में की बहुत सॉरी, मैं तो इस इंतजार में को वो स्टॉप। अब आप रख लें, सब शुरू है। स्टार्ट आप लोग स्टार्ट करें। मायरा स्टॉप। चलें अब आप लोग जारी रखें। स्टॉप चलें आप करें, आप लोग जारी रखें। कितनी हो गई हमारी आपकी गिने? थ्री आपकी? टू सईदा, टू वन टू ओके करें। अब बताते रहिएगा स्टॉप करके। स्टॉप आपकी कितनी हुई? स्टॉप थ्री। आपकी भी कितनी हुई? एक पहली। ओके आज नई बार हुई है। अरे इसको इस्तरी तो करवा के ला दो। स्टॉप मरिया कितनी हुई? फोर। ओके स्टार्ट। स्टॉप मेरी तीन हो गई। साइम हरी अप, कम ऑन उमर, यू कैन डू इट। स्टॉप एवरीवन, वेरी गुड उमर, थैंक यू आदि। चलो शुरू करो, मेरी बोतल तो रखो। नहीं मैं नहीं कर रही ना स्टार्ट, रखो। कम ऑन उमर यू कैन डू इट, स्टार्ट। स्टॉप विद सेम पिंग पोंग राइट? ये आखिरी है? मेरी आखिरी है। मरिया तुम्हारी आखिरी है? नो मेरी ले लो। I know, I can तूने कर ली? हाँ मेरी आखिरी बोल। Come on guys, come on. एक सेकंड। कब रख दियूं बैग? Start. कर रहा हूँ। Yes, you can do it. Yes, Maria, you can do it. Yes. Stop. Six. Maria is the winner. ऐसे कैसे भाई, हम तो जब तक छह पूरी हों खेलते रहेंगे। Okay. Maria, don't. I could do it too. Don't jump. जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हेड एंड शोल्डर का पैगाम है कि कंधे से बोझ हटाते, तो मैं भी किसी के कंधे से बोझ हटाने के लिए जा रहा हूँ। और ब्राइट सब कर दे राइट तो वो भी फैसला हो जाएगा। खाना तो इन्होंने कश्मीर बनस्पति और कुकिंग ऑयल में खा लिया है। मैं अंदर जाके बड़ा सोचता रहा हूँ मेरा, और ये सोचता रहा हूँ कि आपकी वजारत में आप पे बड़े प्रेशर आए और आप जागी भी रहीं, कुछ लोग आपसे खुश रहे,
ज़्यादातर लोग नाराज रहे, आपकी जो सख्ती थी ना वो बहुत ही सख्त थी। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर्स, आपको मैं वजारत से हटा रहा हूँ। और क्योंकि आप सेफ भी नहीं है। सेफ कौन है इस वक्त? मरिया। मरिया आप नई वजीर हैं। इतनी अफसरदा क्यों हैं आप? आई थिंक मैंने रात रो रही थी, बेदनी करने की मैंने कोशिश की है। और आपने, मैं आपकी देखे कोशिश को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन डिनाइल। आपने बहुत सही किया, जो आपने किया आपने अपनी मर्जी से किया। आपके पास कंधे से मैंने बोझ उतारा है हेड एंड शोल्डर की तरह। वैसे भी हमारा जो एक घर का रूल है, वज़ीर को सेफ होना ज़रूरी है और आप सेफ भी नहीं है, तो उस वजारत का फ़ायदा क्या है जिसमें आप सेफ ही नहीं है? वो वज़ीर की तौहीन हो रही है क्योंकि वज़ीर ख़ुद ही सेफ नहीं है। तो एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि घर को बेहतर चलाइए, क्योंकि ये है तमाशा घर। दही जो फ्रीजर में फ्रीज हुई हुई है, अब कोई नहीं जाएगी फ्रीजर में। हाँ। ये खाने में इस्तेमाल होगी खाने के साथ। Yes. सुबह हम लोग नाश्ते में ब्रेड की जगह पराठे खा सकते हैं ऑमलेट के साथ। हाँ। साथ हम लोग थोड़ी सी दही खा सकते हैं, क्योंकि दही मैंने ऑलरेडी आटा काफी गूंद भी दिया। ठीक है, साढ़े को आ गया। देखो चट्टू बटा, चट्टू बटा, विनेगर, ऑयल। और ये है मेरे कब्जे में रहेगी कॉफी। जिसको चाहिए होगी वो मेरे से लेगा कॉफी। ये कॉफी यहीं पे रहेगी और यहाँ से मूव नहीं करेगी। अगर किसी ने मूव की उसकी हमेशा के लिए कॉफी बंद। मैं अब वजारतों का पूरा पूरा साथ दिया करूँगा, लेकिन उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा साथ दूंगा मैं अपने भाई को। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। शाम तक इधर ही खड़े रहे, काम खत्म। यार कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, काम आते जाते कम हो जाए, आगे काम आते जाते रहेंगे। काम आने जाने की चीज है। चेड़ भी रही है, काम नहीं भी यही आगे कर रही है। यार किचन में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पता है? जिस किचन में आप हो वो परफेक्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा किचन साफ सुथरा होना चाहिए। मैं उम्र की बात करता हूं। मुझे किचन, वॉशरूम, कमरा सब। अरे इसको लगता थोड़ी है। मैंने आपसे कहा था ना कि आज आपके लिए एक सरप्राइज है, तो जाएं अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं, अच्छे लगें, प्यारे लगें, हैंडसम लगें। आज रात का खाना मेरी तरफ से बाहर है आपके लिए। क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? मुर्गी तो जाया होगा ना? देख ले, एक एक मिनट पहले बोल देना मुर्गी नहीं डालते। अल्लाह की कसम। अभी मैं अपना दाल को भूल गया। टाइम है, अभी टाइम है, अभी नहीं है। मैं कोट पैंट पहन लिया। छोड़ दो बर्तन दो मिनट के लिए। मैंने नोमी का एक नाम रखा था, मीसला। किसके घर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि आपके अभी कौन है इंसान? साइदा। साइदा कहेंगे। आदि इसका बदला लूंगी मैं, ये बात याद रखो। अब लगेगा तमाशा। कैसा लग रहा है?
रिफ्रेशिंग। तो सोच लिया खाना क्या है? डायनामाइट प्रॉन्स, स्टफ्ड चिलीज। रीजन यही होता है इस खाने का कि यार थोड़ा सा आप लोग का स्ट्रेस खत्म किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जो एक नेगेटिव वाइब्स होती है ना, वो सबके ऊपर नुमाया हो रही होती है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स को नेगेटिव्स के साथ मिला के दोबारा एक मसाला हम क्रिएट करने के लिए तो आप लोग को लेकर आते हैं। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यार आप। सर थैंक यू, वो आपको देख के इंस्पिरेशन मिल गई। ये तो रॉक स्टार वाली नहीं, कॉर्पोरेट लुक आ गई बड़ी। अब थोड़ा चेंज करना है, दो दिन में बहुत स्ट्रेस में गुजारे हैं, तो अब एक डिफरेंट मोड में आ रहा हूं। एंड थैंक यू टू ऑल दिस पीपल एंड मरीहा स्पेशली एंड मायरा। एक काउंसलिंग चलती रही और आदि के साथ एक सेपरेट छुप के जरा बात होती है, बट ये आई नीडेड दिस। थैंक यू, थैंक यू। ये हो मेरा ऑफ है थोड़ा सा, वो कह रही थी बिरयानी खानी है। नहीं गुड गुड। ये पूछ रही थी यहाँ अपने अंडा चना मिलेगा कि अंडा चना तो सर मैंने नहीं पूछा। ये सही था, आज पहली दफा मेरी बेइज्जती हुई है, मगर आपकी डांट ना बिल्कुल मीठी होती है। मायरा थोड़े चक्कर आ रहे हैं बाहर आके, बट I'll catch up with it. That's good. That's yes. good. Saim मुझे वैसे अच्छा लगता है जब आप मेरे से बात करते हैं तो। अच्छा आप मेरे से बात कम करते हैं। नहीं साहिब, आप मौका नहीं देते ना मुझे, मौका देंगे तो मैं खुल के बात करूंगा। आपकी जो एडवाइस है वो मेरे लिए बड़ी कीमती और बड़ी मायने रखती है। साहिब वैसे मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स में जो बने थे ना, साहिब वाज द बेस्ट। आई नो आई सेड दैट टू। लाला बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। थैंक यू सर। माशाल्लाह इन्होंने चॉइस की है उमर ने कि मैं तो रेड पहन रहा था इसके साथ। ये पहन लेते अच्छा लगता, आपकी चॉइस है, मगर इन्होंने कहा ये अच्छी लग रही है, सबने बोला ये लाला पहन ले। आज बड़े उजले उजले से लग रहे हो यार। ना आयो ऑकवर्ड हो रहा। ये जो आप दोनों इमेजिनरी खेलते हैं ना दोनों, वो बहुत मजेदार है। यस यस। क्योंकि मैं इन लोगों से दूर नहीं रह सकती हूँ, तो खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है, मेरे लिए मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग। जी नुमान सर बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर पाऊँगा या उनमें से गुजर पाऊँगा। जो इमोशंस मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करता वो मैंने एक्सप्रेस किए, कुछ इमोशंस मैं नहीं फील करता किए। आदि सर मैं असल में इतना सोशलाइज नहीं करता और मैं बिल्कुल एक एंटी सोशल हूँ, इसलिए मुझे आदत नहीं है इतने सारे लोगों को देखने की या सुनने समझने की। तो वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी के ये इतने सारे लोग अब मेरे इर्द गिर्द ही घूमे आ रहे हैं, तो बस वो उस वजह से था। लेकिन बस देखने को मिल रहा है कि इंसान क्या क्या करता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है। उमर सर मज़ा आ रहा है अभी तक, पहली बात तो इनसे मुलाकात होगी यहाँ पर आगे, तो मेरा तो सफ़र मुझे तो फील भी नहीं हो रहा कि ऐसे किसी और जगह पे आए। पहली दफा मिले आप दोनों एक दूसरे? हम चलते फिरते हेलो हेलो, लेकिन यहाँ पे आके जरा दोस्ती अच्छी होगी। थैंक्स टू तमाशा टीम। बढ़िया। मैं बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट इंसान हूँ, और वो तो मैंने देख लिया था। हाँ और लाइक आई कांट होल्ड इट, अगर मैं इस सर्टन वे फील करती हूँ या मेरा कोई थॉट प्रोसेस है तो मैं उसका इजहार करती हूँ। I don't like to hold things back, because बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं अंदर रखती हूँ, तो इन चीज़ों को भी अंदर रखना मेरे लिए टू मच हो जाएगा। साहिब मैं अपनी वालदा से कभी इस तरह से दूर रहा नहीं हूँ, और वो बटन बड़ा सर फहरिस्त मेरी लाइफ में रहा है। वो अब्बा जेलस नहीं होते, सिर्फ अम्मा की बातें करते रहते हो, अब्बा को याद ही नहीं करते हो तुम? नहीं ऐसा नहीं है, अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, ही डजंट सीक फॉर अटेंशन। अच्छा yeah. एक बात बताऊँ, ये जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा अनकंडीशनल होता है। जो बेटियों के साथ जो रिश्ता होता है वालिद का, वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग होती है, और बेटों का माओ के साथ बड़ा डिफरेंट एक बॉन्डिंग होती है। लाला क्या सोच रहे हैं? एक बेटी है ना मेरी, वो जहन में घूम रही। तीन बेटे,
तो जो आप बात कर रहे हैं वो याद आ रही है उसकी। बेटियां चीजें ऐसी हैं दादा, एक ही बेटी है तो, और है भी मेरी माँ की शक्ल। अरे वाह, बिल्कुल। तो अल्लाह खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे, उसकी औलाद और रब्बुल आलमीन, ये दुआएं करता हूँ। ये शेर जो है ये आपको मोटिवेट कर देगा, कुछ ऐसा है वो शेर कि मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, जब मुझ में थकन ना पाई तो मेरा साथ छोड़ गए। अब तक सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मायरा और सईद, इन दोनों का खा के लगता है कि इनको आते हैं पकाना। क्या खाने में क्या पसंद है? मायरा सबसे अच्छा क्या बनाती है? असल में सबसे अच्छा कुछ नहीं पकाते दोनों, लेकिन ऐसा पकाते हैं कि वो लगता है कि खाना पका हुआ है। आदि अच्छा नहीं होता? नहीं नहीं, अच्छा ही होता है। झूठी तारीफ है। सबसे अच्छा क्या है हमें थोड़ी, ऐसा नहीं होता कि कभी खाए। सबसे अच्छा उमर भी बहुत अच्छा पकाता है, 5 मिनट में आपका दिमाग ऐसा पक जाता है कि आपको नफरत हो जाती है कभी दिमाग मगज ना खाया। लाला चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, आप पिए छोड़ देंगे उसके बाद चाय पीना आप। देखते रहिए हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवर्ल्ड। आपके चेहरों में मुस्कुराहट। अब आप लोग जाने, आप बोले मैं अब जा रहा हूं, मेरे दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम है रऊफ लाला और इनको खतरे की घंटी से बचाने के लिए कौन नहीं जानता, यार भाई जानता है, ज़ैप ऐप डाउनलोड कीजिए और रऊफ लाला के लिए वोट कीजिए, हमें ये चाहिए यहां पे। हां अच्छा, ये बिल्कुल चाहिए। खतरे की घंटी क्या, मैं वापस, अब 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला। खातिन हजरात जो मुझे देख रहे हैं, आगे से मनुष्य गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस वक्त कोई हालत में नहीं था, वरना हो जाता काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला। मैं इस वक्त अपने शो तमाशा के बहुत भारी वजारत गुजरे। आई थिंक वो मैं सबको ये कह रहा हूँ, उसने डेफिनेशन कुछ और दी हुई थी, उनको समझाया भी है मैंने, ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी। मैंने बोला परसों भी, मैंने कहा बस लाइट्स ऑफ हो गई हैं, आई थिंक यू शुड जस्ट गो स्लीप। नहीं मैं इधर ही बैठी रहूंगी, अगर कोई आ गया तो। इनका सायरन लाउड होता है, कल भी उसने उसको बात सुन, बात सुन क्या यार, प्यार से बात करे, गल सुन सोनिया। वो जो उसके अब हर एक्ट में मैं गंद करूंगा, नाराज नहीं होने। मैं तो कभी भी नहीं होगा आपसे रहा। नहीं तू अजब मुंह बना लेता ना, अजीब सा। कब बनाया? एक दिन बता। 5:30 बजे रोजा लगता है बंदे को। ओ साजिश, साथ देने के लिए उसको कच्चा नहीं पड़ने देता। ओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त, बस यस कर दे। वो करना ही नहीं होने, यस कुछ भी कर ले वो करा लेगा। लाला मैंने कभी आपकी किसी बात पे मुंह बनाया? एक बात बता दे, कभी भी नहीं कि आपने कुछ कहा और मैंने मुंह बनाया हो गया, यार ये क्या बात कर दी। हां नहीं बनाया,
हर बात में ओवर लैपिंग, चलो ठीक है, इधर मैं कर रहा हूँ टैग, आगे पीछे भाग रही है, क्या बच्चों वाली हरकत है? अब करेंगे ये करेंगे अब सारी ये ये तीनों टीम बना दी मैंने तो पहले से टीम बनी हुई है. आई डोंट केयर आवर बॉयज. आई डोंट नीड गर्ल्स. You have... I don't need girls. I have boys, okay? Yeah, woo. Yeah, वो बनाती रहे अपनी team, weem, whatever. Yeah, woo. Yeah, I got boys. Woo. क्या लाला अच्छा नहीं लगा तो बुरा ही हुआ ना लाला. आप थीं जब ये मेरे को disturb कर रहा था, मैं record कर रहा था. अभी? हाँ. नहीं मैं लाला इंतजार में भी खत्म हो गया पप्पी. मैं लाला नहीं गया. अबे काम इसकी सजा मैं देता हूँ. अब तुम जाओ लाला. इतना प्यार देता है लाला जी आपको. इतना प्यार देता है. इस प्यार पे तो मेरे को शक भी आता है ना इसके. नहीं प्यार करता है, मस्ती करता है आपके साथ क्योंकि प्यार करता है. इतनों इधर आ गया तो शहर में क्या करेगा? आप छत्तर लाइयो. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर आलम और मैं यहाँ पर आया हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए वोटिंग की हमारे सबके दिल अजीज पसंदीदा लेजेंडरी रऊफ लाला के लिए, जिनको जिनके सर के ऊपर मंडला रही है खतरे की घंटी. तो प्लीज आप सब लोग जितने भी उनके चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले, उनके लिए जरूर वोट कीजिएगा और उनको खतरे की घंटी से निकालें. या तो खतरे की घंटी से निकालें या फिर आप देख लें आखिरी में जो इसने जो लेकिन लाला तो उमर उमर कैसे रहेगा अगर ये नहीं करेगा लाला जी? लेकिन उमर उमर कैसे रहेगा अगर ये हरकतें नहीं करेगा? ये प्यार मस्ती में करता है. ये देखो इसका नाम जो है ना, इतना उस इस नाम से मैं इतना प्यार करता हूँ. नहीं मैंने नहीं चाहिए, पकड़ लिया आपको. मैंने नहीं चाहिए था तू, मैंने तू नहीं चाहिए भाईजान. तू एक्चुअली लाला ने आपको पकड़ा. अच्छा लाला छोड़े मुझे, लाला छोड़े मुझे, लाला छोड़े मुझे. इसको लाला नहीं छोड़ना, इसको लाला छोड़े मुझे. वायलेशन कर रहे हैं आप, वायलेशन. लाला लाला तब तक नहीं छोड़ना जब तक पास ना करे. लाला कदमों में बिठा लिया लाके आपने मुझे, देख लें आप खुश हैं आप? और नीचे गिर जा, पैर के नीचे दबा रहे हूं. बस अब आप ये देखें क्या कर रहे हैं लाला. लाला नहीं, लाला लाला लाला. अब आपको मैंने मना भी किया था कि झींगे मच्छी नहीं खिलाओ, इन लोगों ने खाए, अभी ये लोग वो हो गए. बहुत गलत किया लाला आपने, अब हमारी असल जंग शुरू हुई है. ठा 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 ठा. अस्सलाम वालेकुम. टाइम जाए के उमर आप जाके जरा कुछ सामान पड़े अरे आप लेकर आए कुछ टास्क करते हैं. इतना अच्छा लग रहा है माँ जी आपको देख के. मैं साइन को और उमर को तो जानती हूँ पहले से. अच्छा अरे वाह. शुरू करें फिर. जी जी ऑब्वियसली आप सब लोग आए शो को जीतने के लिए. आप सब लोग जानते हैं कि आप सब एक दूसरे के कंपटीशन है, कोई वन पे है, कोई टू पे है, कोई थ्री पे है. आज जानते हैं कि आप सबके मुताबिक कौन किस रैंक पे है, कौन है नंबर वन, कौन है नंबर टू, कौन है नंबर एट. हम स्टार्ट करते हैं नाइन से. चीजों को लेके शो है बाहर जाके बात करेंगे. तमाशा की पता नहीं क्या तू ये बात भी कई दफा सुनी है कि तू कहता है कि मैं चला भी जाऊं. क्यों? मैं इसलिए क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत जो है ना, जब कहीं लड़ाई होती है मैं वहां से एग्जिट कर जाता हूँ. अगर आप देखें जब भी लड़ते हैं मैं आपको कहीं आसपास भी नहीं खड़ा हुआ नजर. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों के लिए नहीं हूं और मुझे कोई भी चीज इस बात पे फोर्स या करंट नहीं दे सकती कि मैं ये करने लग जाऊं. 9 पे आदि 8 पे मार्क्स को देखती हो आप. 8 पे साइन साइन. सॉरी ए नो मी. और 7 पे आई थिंक साइन. फिर 7 पे हां क्योंकि मुझे लाला का मजा आ रहा है. लाला खुल चुके हैं पिछले कुछ दिनों से. सारी खुल के बातें हो रही हैं. अब नंबर 6 पे आ गए हम लोग. 6 अम्मा
मारेंगे सिक्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं मैं उसे किसे। अब पांच लोग रह गए, नंबर फाइव पे कौन है? सईदा। मैं आपके नंबर से बहुत खुश हूँ, छक्का मेरा फेवरेट है। अब नंबर फोर। नंबर फोर हुमैरा बहुत अच्छा खेलते, तुझे फोर नंबर इसलिए दे रही बेटा, तो किसी की नहीं सुनती, मुझे पता ही नहीं चलता कौन तेरा दोस्त है कौन दुश्मन है। उमर मरीहा एंड मायरा, तू दे दे। मेरे ख्याल से आई थिंक थ्री पे उमर को दे देते हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, बट ये लड़कियों की जो है ना एक कैट फाइट है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता आपने नंबर वन और टू बचे हैं, आप लोग बताएं, आप लोग बताएं। नंबर वन तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो आदी है, अगर आदी भी नहीं है तो मायरा है। अच्छा, अगर मायरा भी नहीं है तो तंदूर पे लगा दो। मायरा आप इधर खड़ी हो प्लीज, आ जाओ मायरा। What are you doing? नहीं बताता हूँ मैं इसका एक पैर। मायरा अगर नहीं है तो सईदा होती मेरे लिए, अगर वो उन्होंने पहले, और अगर सईदा भी नहीं तो फिर मोमिन आप। बढ़िया, आप साथ खड़ी हो जाए। आई थिंक एक सांस बस लें और बताएं एक नाम, सब बारी बारी ले दें कि मायरा या मरीहा। 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 मायरा। मायरा। मरीहा तो मायरा। बड़ी मुश्किल पाया तुसी आके। लो ना जल्दी। जल्दी साहब। आई थिंक मरीहा। ये माय बॉयज। वजीर जो है आजकल नुमान, एक नाम, एक नाम अगर मुझे मेरे एंड से पूछा जाए, फिलहाल फिलहाल जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जो कल मायरा ने किया उस गेम के अंदर, तो मुझे अभी फिलहाल मायरा लग रही है। okay. वो बहुत स्वीट हो गई है, टाई हो गया, तीन मरीहा तीन मायरा। लाला आपका लाला। है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि मायरा मरीहा नंबर वन और टू पे मैं एक बात जानना चाहूँगा। एक बात आपने छेड़ी थी कि आप एक फिल्म पे काम कर रही थी, वहाँ पे मरीहा यू नो वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो कहानी लोग जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आपका क्या बॉन्ड है, आप लोग कब से जानते हैं एक दूसरे को, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? नथिंग, आई वाज वर्किंग, मैंने अभी अभी डिप्लोमा किया था फ्रॉम डबलस, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो। जो हमारी टीचर थी जो मैं डिप्लोमा में पढ़ा रही थी, वो फिल्म पे भी काम कर रही थी, सो शी सेड व्हाई डोंट यू कम एंड मेरे साथ आके काम करो, और मेरे साथ आके उधर भी काम करो। सो आई वाज हेल्पिंग अराउंड उसके साथ, उनके साथ हेल्प कर रही थी फिल्म के ऊपर, उस फिल्म में ये काम कर रही थी, एंड दिस इज़ 2013 की बात, नो नो 2012-13 की बात, व्हेन आई वाज लाइक 17-18। ओह अच्छा। हाँ, मैं 17-18 साल की थी। अच्छा। इतनी पुरानी बात है। अच्छा। उसके बाद आई स्टडी एक्टिंग, मैं इंग्लैंड भी गई, सब कुछ किया, बहुत लंबी कहानी है, बट ये बहुत पुरानी कहानी है। जिधर वो कुछ हुआ था उस फिल्म के सेट पे, कुछ इशू हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हिस्ट्री है वहां से, पहली बार वहां मिली थी मरीहा से। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे, कुछ पिक्चर्स देखी लोगों ने इंस्टाग्राम पे आप दोनों की, वो तो अभी 2016-17 की फिल्म के लिए कराची आई थी, वहां पे इनसे मुलाकात हुई, इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी थी, बट वो पिक्चर्स, तीन पिक्चर्स देखी मैंने, कुछ स्टॉक किया था जाके, किसी फिल्म के लिए आई थी बट वो नहीं हुई। ओ, मरीहा के अकाउंट पे प्रॉपर रिसर्च करके, हां मरीहा की फीड पे तीन फोटोज है, सेल्फीज आप दोनों की, तो आपने भी कमेंट किया है कि यू नो मिस यू बेब्स, तो बड़ा अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का ऑब्वियसली। मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है मायरा से, लाइक मुझे उस पर नहीं, इन द मोमेंट जो होता है इशू वो होता है, उस पर लड़ने का ही मजा आता है, मुझे उसको तंग करने का ही मजा आता है। कुछ पुरानी हिस्ट्री है, कुछ बातें हैं जो पीछे दबी हुई हैं और जहाँ निकली एकदम से, आपने बात भी इतने लेवल की बात हुई थी कि वो कहाँ पे थी, अब वो लेवल पे आ गई मेरे। जब आप मुझे इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करोगे कि मैं पागल हूँ, मैं साइको औरत हूँ, इनकी दोस्त ने उस दिन मुझे डाइनिंग टेबल पर, आई गेट हर्ट वेरी इजीली, ठीक है। उस दिन मुझे बोला गया कि मेरे एस्मा पे अटैक किया जाता है, कि मैं बीमार हूँ, मैं मुझे सांस का मसला है तो मैं इधर क्यों हूँ, मेरे हाथ का ये मसला है तो मैं इधर क्यों हूँ, इसमें मेरे लेवल की कहाँ से बात आ गई, तो ये लोग मुझे उस तरह से, मैं मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें, मैंने आपको कुछ नहीं कहा इसके बारे में, मुझे कल परसों भी बोला जिसमें मैंने अदनान, और मेरे पास्ट और लेवल, व्हाट डू यू मीन, आई वांट एलजीएस, मैं लॉ ग्रामर स्कूल, मेरा कोई लेवल नहीं है जो आप बता सकते हैं, सवाल अगर इनसे आपने किया,
ये आमना का नाम लेके क्यों मुझे बातें कर रही है? नहीं जी, आपने कहा आमना ने आपको ये बातें की है, मैंने आपको ये बातें नहीं की है, आपकी अस्थमा और आपकी माँ एंड ऑल दैट बड़ी बातें बोलना मेरी बॉडी के बारे में। अच्छा, आपने बहुत कुछ कहा है, आप मुझे मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम ना लगाएं कि मैंने ये चीजें नहीं की। ये कल तक ही है, इन्होंने कही है, ऊपर से फिर दो लोग और मिल गए कि आप तो हर बार जगह ये इश्यू बनाती है, खुद इनके मुंह से इतनी अजीबोगरीब चीजें निकलती हैं कि मैं हर चीज जाके एम्फसाइज नहीं करती हूँ, लोगों के सामने शिकायतें नहीं लगाती हूँ, इन लोगों ने हर बात को एम्फसाइज करना होता है। मेरी हिस्ट्री की बात क्यों कर रही है? शी डज नॉट नो मी, मुझे नहीं जानती है, ये मुझे टोटल दो दफा मिली है। और ये मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रही है, आई वॉज लॉस्ट एट दैट टाइम, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ठीक है, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और मेरा लेवल की आप मेरी बात कर रही हैं, आप मुझे जानती कैसे हैं, आप मुझे जानती कैसे हैं कि आप मेरे लेवल की बात कर रही हैं? आपने मेरी शक्ल के बारे में इतना कुछ बोला है, आप ओ प्लीज अभी नहीं बोला था, फनी बात तुम सब लड़कियां करती हो, एग्जैक्टली ये सारी करती हैं, इतनी मुझे मासूम बन रही है, इतनी जो अजीबो गरीब बातें करती है, ये चमचिरी चमचिरी ये चीजें ये मुझे नहीं बोलती, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सारी कहती हैं, इतनी मासूम नहीं बनो। इस शो में बार बार साइको 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 ये भी कहती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं कहती हूँ ये नहीं कहती है, अगर मैं कहती हूँ मुझे वापस कहती है साइको ना लफ्ज, अगर ये तो बड़ी जैसे तू मुझे कहता है अम्मा ऐसे नहीं ऐसे तो साइको बेटा बहुत बोला जाता है पता ये, हाँ ये सारे बोलते हैं, अब कोई और बोलते तो उसको एकदम से जाके शिकायत बना देते हैं कि वो इसने मुझे बोला, लेकिन खुद वही चीज बोल रहे हैं वापस। चल आई थिंक बहुत कमाल की गेम होगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। बहुत सी बातें आप सब जो कहना चाह रहे हैं एज वी कुड क्लियरली सी, तो आपको बारी बारी में यहाँ पे बुलाऊंगा और आपके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमने बहुत केयरफुली लिखी हैं, आप सब बताएंगे कि आप उन स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ बोर्ड्स हैं, येस और नो आप पकड़ लें, ग्रीन मतलब येस, रेड मतलब नो। सबसे पहले किसे स्टार्ट करें? मुझसे कर लें। नंबर नाइन ऐसे चलते हैं, नंबर वाइज चलते हैं। यहाँ पर आ जाएं। सॉरी। आदि के बारे में पहला स्टेटमेंट है, क्या आदि बहुत सेफ खेल रहे हैं? आप अग्री करते हैं सबसे? हाँ मतलब हाँ। क्या आदि उमर के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं? नौमान सईदा को हकीकी मायनों में पसंद करते हैं? आज बात खुल के हो जाए क्या? अशी तो वंडरफुल फ्रेंड हमारे, हाँ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। सईदा आप अनकंफर्टेबल लग रही है मुझे, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज्यादा एक लाइकिंग है बस, देयर इज नथिंग, बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थोड़ा इस बात थोड़ी देर, ओके जब होने भी है। अरे ये बहुत अच्छा इंसान है, हां बहुत अच्छा, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, हम सब अच्छे इंसान हैं। नहीं नहीं हम लोग इंसान हैं, हां नोमी इंसान नहीं है बिल्कुल, ये एलियन है। मैंने नोमी का एक नाम रखा था, मीसना, मीसना मीसना मुझे कहा था, तो बस और इसने मुझे ऑन द साइड नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरास बट ऑन द साइड इसने मुझे बताया था, लेकिन उसने कहा था कि वो इसको सीरियसली नहीं लेती, कहता है कि मुझे पसंद है लेकिन उसके लिए कोई चीज़ सीरियस ही नहीं है, हर चीज़ मजाक है उसके लिए, तो मतलब कि आई नो कि ही डिड फील समथिंग, बट की बात भी हुई इस बारे में है ना इसको लेकर। जी जी बिल्कुल, और बहुत दफा हुई है, उमर से भी हुई, आदि से भी हुई, हम लोग रात को बैठ के आपस में बात करते हैं। शो के बाहर क्या हम कुछ देख सकते हैं साइम और इंशाल्लाह अगर इनको उनका नंबर याद आ रहा है, आपको नंबर याद है दोबारा रिपीट कर लीजिएगा भाई। पुरानी दोस्त आप क्यों कहती है नहीं? क्योंकि इसने अभी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका नहीं लिया, टिट फॉर टैट। मैं इंशाल्लाह एक बात की जरूर कोशिश करूंगा
कि मैं इनके बाद निकलूं, इनसे पहले ना निकलूं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको निकाल के फिर निकलूं। हमने एक सांप सीढ़ी का खेल खेला था, मुझे सिर्फ एक सांप ने गिराया था, वो ये थी। और अब मैं चाहता हूँ इस गेम में वो एक सांप मैं हूँ इनके लिए और मैं इनको गिराऊं। उस दिन मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था, शायद आपने देखा हो, उस दिन मेरी दुखती रख पे इन्होंने हाथ जेन्युइनली खेला था। मैं इतना इजी रोने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे अपनी माँ की, आप मुझे जानती हैं, मैं आई एम अ मामाज बॉय, मुझे अपनी माँ की जेन्युइनली याद आ रही थी उस दिन। और पूरा घर आपको चीयर कर रहा था। और अच्छा मोमिन, आपने एक साइड की जो है वो सुन ली, और ये मुझे झूठे इल्जाम लगा रही थी जो चार दिन बाद मान भी गई है कि हाँ ऐसा हुआ था, वो इस तरह हो गया था, ओवर एग्जैजरेट आई थिंक कर रहे हैं। अच्छा ये तो इनकी साइड की है, जो जो कुछ इन्होंने, आप अपने गेम जारी रखें, और जो कुछ किया। और मोमिन, अच्छा मोमिन आपने तो इनका सुना, लेकिन जो पूरी एक है ना, जल्दी से एक सेंटेंस में बताएं एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं। पिक्चर है वो असल में ये है कि ये असल में पिक्चर बहुत पुरानी हो गई है, सिंपैथी लेना चाह रहे हैं असल में, बहुत ज्यादा 6 नंबर तो वो चले गए, सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, इस मोड में आ गई है तो ये बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, वो सिंपैथी लेना चाह रहे हैं आई थिंक सो, लेकिन असल में ये है कि वो मुझे बिल्कुल सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए लोगों की, मैं सिंपैथी लेना नहीं आया, मैं सिंपैथी काटने की है मोमेंट, इतनी सी बात होती है। बिलो द बेल्ट ये सबसे पहले जाते हैं और उसके बारे में जो है तिया पांचा कर देते हैं, इनकी माँ भी तो एक ही खातून है, लेकिन ये एक खातून का इतना तिया पांचा कर देते हैं जो क्या उमर लाला के पंचेस असल में खराब करते हैं। लाला के पंच मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं चलता लाला का पंच आगे आ रहा है, तो मैं ना रोक, मैंने कितनी दफा, मैंने बाय द वे ऑब्जर्व किया, कोई आदमी अपना कोई भी स्क्रीन टाइम दे रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, उमर वहां लाजमी पहुंचेगा, ये करेगा, और ये मैं उसकी एक आदत है, मैं बुराई में नहीं कह रहा, लेकिन उसका अपना एक तरीका है ह्यूमर का। क्या सईदा इस घर की सबसे वेल ड्रेस्ड कंटेस्टेंट है? वेल ड्रेस्ड नहीं, सईदा भी मैं किस लिए कह रही हूँ, ये वाले भी पहनते हैं, ये शलवार है कि जिस बच्चे ने इतनी पहनी है, इतनी पहनी है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्ड है ब्रो, मेरे भी है सूट ये इतनी अच्छी लगती है, इसने साड़ी पहनी थी एक दफा। अच्छा क्या हुमैरा इस घर का इजी टारगेट है? यस साबुन की छींटे मुंह पे मारी, साबुन की छींटे, मैं साबुन वाले हाथों के साथ पहन रही थी, कितनी झूठी हो यार, जैसे झूठ की कमी नहीं है। क्या हुमैरा मरिया को कॉपी करती है? No way, that's not my style. No, no. Yes, yes. सबको कॉपी करती, सही बात है, आमना को भी करती थी। क्या उमर अपनी बजारत के नशे में हद से ज्यादा ओवर हो गए थे? बहुत ज्यादा बजारत के नशे में उमर क्या हद से ज्यादा ओवर हो गए थे? बहुत मजे का वजीर, बजारत के नशे में सबसे क्विकेस्ट वीक उमर का था जो गुजरा, बहुत अच्छी इसकी बजारत थी, इतना स्लो फनी था, अच्छा दौर था, गाइस ऑन द फेंस, आप तो क्या क्यों लगा आपके से? आई डोंट नो 50-50 अच्छा भी था, पॉजिटिव भी था, मतलब ओवरऑल मुझे सारी वजारत करप्ट वजीर था, हाँ सबसे अच्छी वजारत अब तक के लिए मुझे जो उमर की थी। क्या बात है, तो कुछ में जब बनाना ये सारे थोड़ा सा छोटे हैं उमर क्या रहता है, अच्छा करो उसके बाद अच्छा, बहुत अच्छा था। देखो एक बंदे की मेरे से लगती है, आप मेरे से पूछते ना क्योंकि मैंने नो कहा है इसकी वजारत के बारे में, इसका मतलब इसकी वजारत बहुत अच्छी थी, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। Exactly. उस दौर में चीनी भी सस्ती मिलती थी, आटा भी सस्ता था, राशन खाना बड़ा अच्छा था और बड़ी सहूलत। क्या मायरा इस गेम में सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल कर रही हैं? कौन से रिश्तों? मेरे रिश्ते का, मेरे रिश्ते का जवाब, मेरे रिश्ते का जवाब दें।
हाँ जी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। इन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम ये करो तुम वो करो। मैंने अभी आपके सामने उनको नंबर वन कहा है। अच्छा मायरा थोड़ी हैं अपने दोस्तों को लेकर थोड़ी पजेसिव हैं, ये बात हमने देखी है ऑडियंस। हाँ वो हैं कि जब एक टास्क हुआ था जब सबने बताना था कि कौन जीतेगा तो आप सबने मरिया कहा था, मायरा बड़ी अपसेट हुई इस बात पे। हाँ इसलिए क्योंकि अभी बोला नहीं कि साइम ये क्या कर रहे हो ये क्यों बोल रहे हो ये अभी बोला नहीं, इमोशनली मैनिपुलेट करती है अभी साइम को नहीं बोला कि ये क्या तुम कर रहे हो और सिर्फ फॉरेन टेंशन भाई मेरी मर्जी हर चीज में। एग्जैक्टली सो शी डज इमोशनली मैनिपुलेट पीपल। क्या मरिया इस गेम में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? नो यस बहुत ज्यादा बट आई थिंक अच्छा है अच्छी बात है लाइक दैट ना बिल्कुल गलत बात। अच्छा खरगोश और कच्ची वाली पता ना खरगोश हार गया था ना यस यस मरिया को यही गरूर था इस वजह से पहले हफ्ते में मुझे बेटा तू पहले हफ्ते से 15 जो भी था तू आगे थी कि तेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता उसके बाद मायरा आगे चली गई। गरूर नहीं है मेहनत है दिस इज नॉट गरूर। गरूर होता तो मैं बातें करती लेकिन कुछ कर ना पाती। मैं वो करती हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मेहनत से बढ़ती हूँ आगे। ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है मैं अपने दिल से खेलती हूँ जो खेलती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा अब बढ़ते हैं आखिरी गेम की तरफ जहाँ पर आप लोगों को मौका मिलेगा कुछ स्प्रे करने का एक दूसरे के मुंह पर। नो वैसे भी रात हो चुकी है सबके मेकअप उतर गए हैं। शाबाश स्प्रे है स्नो स्प्रे हम सबने किया हुआ एक दूसरे को। ओह लॉर्ड तो पहला स्टेटमेंट है किसके घर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आदि आपके नाम भी कौन है वंसा जिसके घर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज गोना बी सो रूड। सईदा सईदा दिस पे जाके सईदा के मुंह पे हेड एनीवे राइट मेकअप उतर गया इसलिए आदि सही है। घर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से नुमान है वो आपके मुताबिक घर में होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। No worries. मतलब ये इतनी अच्छी है कि सही था आपके मुताबिक लाइक आपके मुताबिक कौन है जिसके घर में होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कम ऑन सईदा बदले का वक्त आ गया। इसको जरा वैसे ऐसे शेक कर ले पहले। हां हिला लो पहले नहीं तो पानी आएगा सिर्फ। क्या आप लोगों ने सस्ता वाला केक बना दिया। अरे स्टेट पर मैंने बोल दिया सबको पता तो आप खुद ही बारी बारी करते ठीक है। मायरा थोड़ा सा बेटा निकलो अपने उसमें से बाहर। अच्छा मायरा हाँ कोई स्टेटमेंट है होने ना होने से कोई फर्क नहीं। नो आई लव यू आदि। होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल बोल के कर रही हो कर दो। Oh I like everyone. I'm so diplomatic. Oh my God Lala you broke my heart today. थैंक यू। इससे बड़ा तवक्का नहीं रख सकता। मैंने भी नहीं रखी थी आपसे। थैंक यू थैंक यू भैया लव यू। और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू अम्मा। इसने बिल्कुल सही जो दिल में लगा उसने वो कर दिया। हमेरा सेफ नहीं खेला जल्दी से रिवेंजफुल क्वेश्चन और अपने भी नहीं कर सकते मेरा साइन तो भी तो सांप काटेगा। उमर आगे बचा के सामने वाले खिलाड़ी को भी खेल नहीं नहीं उमर पे मरिया नहीं तो बस मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। नहीं मरिया नहीं ये चीज जैसा ये कर रही है सब मैं ही कर रही हूं। अम्मा हाउ एवरी टाइम चीटिंग है मरिया नहीं है चीटिंग एवरी टाइम चीटिंग तुम्हारे करने से मैं हो नहीं जाऊं। साइम जल्दी से आप बता दें साइको सी साइम खुदा दो सच्ची सच्ची करी। अरे थोड़ा दूर करके मारो नमाज आपकी बारी। अच्छा सब लोग दूर करके मारो आज मैंने सब बड़े चुप करो नमाज ये की करना मैं आज दसा इन्हें सोफे पे मार दे आंखें बंद रखो मार किस इंसान दे करने लग गए वो हिसाब होया कि मेरा बच्चा अपने हां मर्जी नमाज की मर्जी है लाला जी तो करनी करे। अच्छा अगला है कि आप कौन से इंसान को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। आदि से शुरू करें। मेरा भी इस पे तो मार सकती थी। आएंगे आएंगे अभी और आएंगे हम बार बार मार सकते हैं।
बार आपकी बारी है। ओ मेरा बेबी करो इसको। क्या सवाल था इस घर से निकाल जाते हैं उमर भाई आप लोगों ने खुद ही करनी है जस्ट सो यू ऑल नो करनी पड़ेगी। सईद आपकी बारी इससे बदला आंखों में इसने भी किया। मायरा आपकी बारी किसको निकालना चाहते हैं आजा बहुत बोलता है ये। हाँ हाँ आजा आजा आप सब चीजों को रख दिया यहाँ पे शुक्र है वापस ले जाए भाई नहीं ये रखते हैं यार हमारा घर से अलविदा लेने का वक्त हुआ बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच आई होप आप सब आई लव यू साडे नी बेड़े विच मानल माहीदा साडे नी बेड़े विच मानल माहीदा ओही दे टेक जानू तकिया गे जायदा बहुत अच्छा लगा मिलकर आप सबसे ओके जी हाफिज़ 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 लव यू मां लव यू गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।